वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हम पढ़ेंगे स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर या स्प्लिट टाइप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो ये स्प्लिट टाइप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसी के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। तो बेसिकली जैसे हमने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इसका सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो इसका नाम दे दिया गया है स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। यह मोटर भी सिंगल फेस पर वर्क करेगी दोस्तों। इसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यहां पर जब स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सप्लाई दिया जाता है, तो यहां पर सिर्फ सिंगल फेस सप्लाई दिया जाएगा। तो इनपुट के तौर पर यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि ये इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, इस डायग्राम को हम यहां पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और ये वोल्टेज अप्लाई जो करेंगे दोस्तों, ये सिंगल फेस होगा। अर्थात जब आप इनपुट सप्लाई देंगे, तो ये सिंगल फेस इनपुट सप्लाई देंगे। जैसे ही आप सिंगल फेस इनपुट सप्लाई देते हैं टर्मिनल पे, तो ये टर्मिनल पे एक तो ये हो जाएगा फेस, तो दूसरा हो जाएगा सेकेंड वाला न्यूट्रल। आप सिंगल फेस सप्लाई देंगे इसमें। यहाँ पर बीच में एक वाइंडिंग लगी हुई है, यही वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाती है, और इसी वाइंडिंग को हम सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर बीच में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी है, यही मोटर को स्टार्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सप्लाई देंगे, तो इस सर्किट में टोटल जो करंट है, सर्किट की जो करंट है, वो आई करंट फ्लो होगी। और ये आई करंट जब यहाँ पर डिवाइड होगी दो पार्ट में, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी ISH, मतलब कि शंट करंट, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये पैरेलल में लगी हुई है दोस्तों। इन दोनों के बीच में एक स्विच लगा हुआ है, और ये स्विच यहाँ पर प्रॉपर वर्क करेगा। अब देखिए, यहाँ पर सिंगल फेस अर्थात स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। यही वाइंडिंग जलती है दोस्तों। अक्सर याद रखना, यदि आप स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट का मान ज्यादा हो जाएगा, तो यही वाइंडिंग सबसे पहले जलती है। इसके पीछे इसका रीजन भी है। ये क्या करती है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और जो रिएक्टेंस होता है वो लो होता है दोस्तों। तो लो रिएक्टेंस, इसमें लो जो है रिलक्टेंस प्राप्त होता है, लो रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस इसकी हाई होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस सर्किट में यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसमें करंट फ्लो होगी दोस्तों, और दूसरी करंट यहाँ पर जाएगी मेन वाइंडिंग में। तो यहाँ पर टोटल जो आई करंट है, ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। आई करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो पहली करंट है, ये हो जाएगी आपकी ISH प्लस सेकेंड करेंट होगी IM। तो ये IM मेन वाइंडिंग की करंट है, जिसे आप रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, और ISH ये जो हो जाएगी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में ISH करंट फ्लो होगी, और मेन वाइंडिंग में IM करंट फ्लो होगी दोस्तों। तो ये टोटल जो आई करंट होगी, ये ISH प्लस IM होगी दोस्तों यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग 70 to 80% रेटेड स्पीड होने पर, अर्थात 70 से 80% मोटर की रेटेड स्पीड होने पर ये स्विच ओपन हो जाता है अपने आप। अर्थात ये जो स्विच लगी है दोस्तों, ये अपने आप ओपन हो जाएगी। जब मोटर स्टार्ट होगी, और स्टार्टिंग में ये 70 से 80% की रेटेड स्पीड जब पकड़ लेगी, 80% की स्पीड पकड़ लेगी दोस्तों, तब ये जो स्विच है, ये स्विच ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसका ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है। यहां पर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये इसका रेजिस्टेंस हाई मिलेगा दोस्तों। ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और इसका जो रिएक्टेंस है, ये दोस्तों लो मिलेगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है कि इसका रेजिस्टेंस हाई मिलेगा और रिएक्टेंस लो मिलेगा दोस्तों। तो आर इसका हाई मिलेगा और XL इसका लो मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेन वाइंडिंग अर्थात रनिंग वाइंडिंग यूज की गई है। ये रोटर पार्ट होता है दोस्तों, ये रोटर पार्ट है बीच में रोटेट करने वाला।
रोटर पार्ट के साइड में मतलब कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर पैरेलल में लगी है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और राइट साइड में पैरेलल में लगी है मेन वाइंडिंग जिसे हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में यदि रेजिस्टेंस हाई है तो रनिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लो होगा, क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में रिलक्टेंस लो होगा तो स्टार्ट यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग में रिएक्टेंस जो होगा अधिक होगा दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों अपोजिट चलते हैं दोस्तों। तो इसका रेजिस्टेंस मेन वाइंडिंग का अर्थात रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा आपको लो मिलेगा, लो रखना पड़ेगा, और इसका रिएक्टेंस जो होगा दोस्तों एक्सएल ये हाई मिलेगा दोस्तों। तो ये हाई रिलक्टेंस अर्थात रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क कम होती है दोस्तों और पावर फैक्टर भी कम होता है। यहाँ पर मेन वाइंडिंग, ये जो मेन वाइंडिंग है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम मिलेगा और रिलक्टेंस अधिक मिलेगा। इसी के अपोजिट स्टार्टिंग वाइंडिंग में चले जाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अधिक मिलेगा और रिलक्टेंस कम मिलेगा। अर्थात कि ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई है तो मेन वाइंडिंग अर्थात रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस यदि कम है तो मेन अर्थात रनिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस अधिक होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो एंगल मिलेगा आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का जो एंगल मिलेगा दोस्तों वो 30 डिग्री मिलेगा, अल्फा का मान 30 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर फेज डिफरेंस 30 डिग्री का मिलेगा दोस्तों। चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। यहाँ पर जब डीप मतलब अंदर की ओर हाई रिलक्टेंस अर्थात एक्सएल ये मेन वाइंडिंग होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो यदि इसको हम समझे दोस्तों तो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वाइंडिंग में जो डीप मतलब अंदर की ओर है, अंदर की ओर जो वाइंडिंग है दोस्तों, अंदर की ओर जो वाइंडिंग लगी है उसका हाई रिलक्टेंस मिलेगा। अंदर की ओर जो वाइंडिंग है वो हाई रिलक्टेंस मिलेगा, और वो जो वाइंडिंग है वो मेन वाइंडिंग है जिसे आप रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं हम जो रनिंग वाइंडिंग है इस रनिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस आपको हमेशा हाई मिलेगा, और जो बाहर की ओर वाइंडिंग है उसका रिलक्टेंस हमें लो मिलेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो अंदर की ओर वाइंडिंग लगी है वो मेन वाइंडिंग है, और जो बाहर की ओर वाइंडिंग होती है वो हाई रिलक्टेंस वाली वाइंडिंग होती है। अर्थात बाहर की जो वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और अंदर की ओर जो वाइंडिंग लगी रहती है वो रनिंग वाइंडिंग है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कौन सी मोटर है दोस्तों, तो ये जो सीलिंग फैन होती है, सीलिंग फैन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है दोस्तों। इस मोटर का कंस्ट्रक्शन आपको सिंगल फेस जो मोटर है सीलिंग फैन की जो मोटर मिलेगी आपको वही सिंगल फेस मोटर है जिसे स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आप कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलेगा। देखिए यदि इसके रोटर पार्ट को खोलकर देखें तो यहां पर बाहर की ओर वाइंडिंग जो मिलेगी आपको, ये जो बाहर की ओर वाइंडिंग है दोस्तों यही जो बाहर की ओर वाइंडिंग लगी है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। यदि आप सीलिंग फैन की वाइंडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाहर की ओर जो वाइंडिंग लगी रहती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और जो वाइंडिंग अंदर की ओर होती है दोस्तों, ये अंदर की ओर जो वाइंडिंग है ये मिलेगी आपको रनिंग वाइंडिंग। इस तरीके से आप सीलिंग फैन के अंदर की जो वाइंडिंग है इसे समझ सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, पावर फैक्टर कम होता है दोस्तों, और इन दोनों के बीच का जो फेस एंगल है, फेस एंगल इस टाइप से बनता है। यदि आप इसका फेस एंगल देखेंगे दोस्तों तो फेस एंगल आपको यहाँ पर साइन अल्फा का मान या अल्फा डिग्री का मान जो मिलेगा वो 30 डिग्री मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। अर्थात यदि इसको डिफाइन करें हम तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग इन दोनों वाइंडिंग के बीच का अर्थात वोल्टेज, और यहाँ पर ये जो मेन वाइंडिंग है और ये जो टोटल मेन करंट है, तो यहाँ पर आईएम जो करंट होगी दोस्तों ये मेन वाइंडिंग अर्थात रनिंग वाइंडिंग की करंट है। मेन वाइंडिंग अर्थात
रनिंग वाइंडिंग की करेंट है दोस्तों। अब यहां पर यदि देखे हम तो ये जो मेन आपने करेंट सप्लाई दिया है अर्थात I इक्वल क्या हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा ISH प्लस IM। तो ये जो मेन वाइंडिंग है दोस्तों, ये जो मेन करेंट है वाइंडिंग में फ्लो होने वाली, ये दोनों इसके साथ में एड हो जाएगी अर्थात कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की जो टोटल करेंट होगी वो टोटल I करेंट होगी। यहां पर आपको देखने मिलेगा कि मेन जो करंट है सर्किट की टोटल करंट और सर्किट की टोटल वोल्टेज, तो सर्किट से जो आपने सप्लाई दिया है वो टोटल वोल्टेज हो जाएगा और सर्किट की टोटल करंट आई हो जाएगी। दोस्तों ये सर्किट की टोटल करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस मिलेगा ये आपको अल्फा एंगल का मिलेगा दोस्तों। तो अल्फा एंगल का यहाँ पर एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की करेंट, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग की करेंट जिसे TST लिखते हैं, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट है, और ये जो IM है ये मेन वाइंडिंग की करंट है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच का स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का जो एंगल मिलेगा ये अल्फा डिग्री मिलेगा, और यही अल्फा डिग्री आपको 30 डिग्री प्राप्त होगा, मतलब अल्फा का मान 30 अंश तक प्राप्त होगा दोस्तों। और जैसे ही मोटर 70-80% रेटेड स्पीड पर पहुंच जाएगी, तो 70-80% रेटेड स्पीड में पहुंचने के बाद मोटर ऑटोमेटिक जो स्विच है वो स्विच वहां से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसका रीजन यही है कि मोटर अब रनिंग कंडीशन में आ गई है। तो यहां पर इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने यही देखा कि टी स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन 30। ये जो एंगल बनेगा दोस्तों स्टार्टिंग टार्क के बीच में जो प्रोपोर्शनल बनेगा ये बनेगा टी स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन 30, अर्थात कि जो अल्फा का मान है ये कितना है दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री है, अल्फा का मान 30 डिग्री है दोस्तों। तो यही चीज एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ये इसका फेजर डायग्राम है दोस्तों ये, और इस फेजर डायग्राम में यही पूछा जाता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करेंट और मेन करेंट जो है रनिंग वाइंडिंग की करेंट इन दोनों के बीच में कितने का कोण बनता है, कितने का एंगल बनता है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस बनता है दोस्तों वो 30 डिग्री का बनता है। अब ये 30 डिग्री पावर फैक्टर फाई है उसके साथ एड हो जाएगा दोस्तों ये 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अंदर की वाइंडिंग होती है रनिंग और बाहर की वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब इसमें होता क्या है, बेसिक प्रोसेस ये देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। चलिए दोस्तों इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में आपको क्या देखने मिलेगा, इस मोटर में स्टेटर में मेन वाइंडिंग के साथ हमने क्या किए, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग भी लगाई है। तो यहाँ पर इस मोटर में दोस्तों एक मेन वाइंडिंग के साथ हमने क्या किया, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर एक जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग के साथ हमने एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया। अब इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करने के साथ साथ क्या होता है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच को भी लगाते हैं। तो ये जो स्विच दिख रहा है दोस्तों ये एक सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय एक स्विच है जिसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं दोस्तों। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी बहुत बड़ा रोल है इस सर्किट में। तो यहाँ पर जैसे ही आप AC सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है मेन वाइंडिंग के, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। फेज डिफरेंस दोनों वाइंडिंग के करेंट में आवश्यक फेज डिफरेंस 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, अर्थात इन दोनों वाइंडिंग के बीच में आपको 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो 90 अंश का मिलेगा दोस्तों। मेन वाइंडिंग, इस मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, ये इसका रेजिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस ये दोनों आपको मिलेगा यहाँ देखने। तो रेजिस्टेंस इसका मेन वाइंडिंग का लो मिलेगा और इसका रिएक्टेंस हाई मिलेगा दोस्तों। रेजिस्टेंस लो मिलेगा और रिएक्टेंस हाई मिलेगा। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई मिलेगा दोस्तों और रिएक्टेंस लो मिलेगा। अब ये जो स्टार्टिंग वाइंड है इसका रेजिस्टेंस हाई रखने के पीछे रीजन है, रीजन ये है दोस्तों कि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में
जो सर्किट की जो करंट है उसको लिमिट करना है। स्टार्टिंग में सर्किट की करंट को हमें लिमिट करना है, मतलब करंट को कम करना है दोस्तों। जब तक करंट कम नहीं होगी तो वाइंडिंग जलने के चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ता है, करंट को कम करना पड़ता है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया दोस्तों तो करंट ऑटोमेटिक लिमिट हो जाएगी यहाँ पर, तो करंट को क्या कर देंगे हम, कम कर देंगे दोस्तों। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, करंट की लिमिट को कम कर देंगे, मतलब करंट के मान को कम कर देंगे। तो करंट के मान को हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। चलिए इसको क्लियर करते हैं। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जब इसे सप्लाई देने पर मेन वाइंडिंग की करंट वोल्टेज से ज्यादा एंगल में लैग करती है, तो मेन वाइंडिंग की जो करंट होगी दोस्तों वो वोल्टेज से ज्यादा एंगल में लैग करेगी। अर्थात सप्लाई देंगे तो ये मेन वाइंडिंग होगी, इस मेन वाइंडिंग की जो करंट होगी आई करंट, ये जो आई करंट दोस्तों वोल्टेज से ज्यादा एंगल में लैग करेगी, मतलब कि पश्चगामी होगी, पश्चगामी होगी दोस्तों। तो ये पश्चगामी होने के पीछे रीजन है। तो जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने पर मेन वाइंडिंग की जो करंट है वो वोल्टेज से ज्यादा एंगल में लैग करती है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो करंट है वो कम एंगल से लैग करती है। तो यहाँ पर ये कम एंगल से लैग करेगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और मेन वाइंडिंग अधिक एंगल से लैग करेगी। तो ये जो कोण होगा दोस्तों ये कोण पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर सप्लाई देने पर मेन वाइंडिंग की जो करंट है ये वोल्टेज से, करंट का मान मेन वाइंडिंग की जो करंट है दोस्तों, अर्थात ये जो आई एम करंट है मेन वाइंडिंग की, वो वोल्टेज से ज्यादा एंगल में लैग करती है, मतलब इसका जो एंगल होगा वो अधिक होगा दोस्तों। और यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो करंट है आई एस, ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग की वाइंडिंग की जो करंट है आई एस टी, ये करंट कम एंगल से लैग करती है। तो यहाँ पर ऐसा इसके कारण होता है, जब मोटर की स्पीड 70-80% रेटेड स्पीड हो जाती है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। और जब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है, अर्थात कि मोटर जब स्टार्ट हो जाएगी तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में करेंट फ्लो होना बंद हो जाएगा दोस्तों। स्टार्टिंग में ऐसा अरेंजमेंट होता है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कि ये ऑटोमेटिक कनेक्ट और ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा सर्किट लगाते हैं जो हीट होने पर, जिसको बोलते हैं हम थर्मोस्टेट स्विच, हीट होने पर ये ऑटोमेटिक क्या होता है, सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस में जो स्विच लगा होता है दोस्तों वो बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है। जैसे ही प्रेस गर्म हो जाती है, जितने टेम्परेचर पर आप सेट करते हैं, तो जैसे ही प्रेस गर्म होती है दोस्तों तो उसका डिस्कनेक्ट होना चालू हो जाता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो वैसा ही स्विच यहाँ पर भी होता है दोस्तों। जैसे ही मोटर 70-80% रेटेड स्पीड में आ जाती है और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग से करेंट फ्लो होना चालू होती है, और जैसे ही ये वाइंडिंग गर्म होगी दोस्तों, तो यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिकल स्विच लगा हुआ है जिसे थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं। वाइंडिंग जैसे ही गर्म होगी दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से सर्किट का कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगी और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग से फिर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सप्लाई सीधे मेन वाइंडिंग से जाएगी और यह मोटर कंटिन्यू रन होने लगेगी दोस्तों। ऐसा अरेंजमेंट इसका होता है। तो जब मोटर की स्पीड 70-80% हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों, सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है दोस्तों, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो कम होता है। तो स्टार्टिंग टार्क इसका कम होता है दोस्तों। सेकेंड, पावर फैक्टर भी कम होता है इसका पावर फैक्टर भी लो होता है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग करंट इसमें ज्यादा होती है, तो ये जो आई करंट है स्टार्टिंग करंट ये ज्यादा होती है दोस्तों इसमें, ठीक है। मोटर के घूमने की दिशा विपरीत करने के लिए यदि हमें मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसका रोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मोटर के
रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज करना है या विपरीत दिशा में घुमाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग में से किसी एक के कनेक्शन को उल्टा करके सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई से जोड़ देते हैं। या तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को करेंगे या मेन वाइंडिंग, तो या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के या मेन वाइंडिंग के किसी एक कनेक्शन को या एक टर्मिनल को, या तो ये मेन वाइंडिंग के एक टर्मिनल को देखेंगे दोस्तों या स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक टर्मिनल को देखेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक टर्मिनल को यदि आपस में इंटरचेंज कर दें, अलग अलग कर दें, ठीक है, जो वायर का जो टर्मिनल है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे, आपस में अलग अलग कर देंगे, बदल देंगे, तो ये जो वाइंडिंग है, मतलब ये जो मोटर है, ये मोटर का रोटर पार्ट दिख रहा है आपको, ये मोटर विपरीत दिशा में रोटेट करना, घूमना चालू कर देगी। तो इसका डायरेक्शन हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ये भी आपको आइडिया हो गया। यदि किसी कारणवश, ध्यान से सुनिए, यदि किसी कारणवश ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये 70 से 80% की स्पीड पर ओपन नहीं होती, तो मोटर ओवरहीटेड हो जाएगी और जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, यदि मोटर 70 से 80% के रेटेड स्पीड पे रोटेट कर रही है और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप ओपन ना हो, तो याद रखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी जल जाएगी और फिर आपकी जो मोटर है वो धुआं फेंकना चालू कर देगी, आपकी मोटर बंद हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जिसको कहते हैं, ये स्विच ऐसा स्विच होता है कि ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है इसमें कि ऑटोमेटिक 70 से 80% जैसे ही रोटर रोटेट करेगी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ओपन हो जाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, यदि ओपन नहीं होगी तो वाइंडिंग जल जाएगी दोस्तों, फिर हमें फिर से रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों। डायरेक्शन आप रोटेशन यदि देखें इसका, तो इसका डायरेक्शन आप रोटेशन कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे इसका डायरेक्शन आप रोटेशन के बारे में। तो यदि हम इसका डायरेक्शन आप रोटेशन देखते हैं, तो दोनों वाइंडिंग में से क्या करना पड़ेगा हमको, किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को यहाँ पर चेंज करना होगा। चलिए, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करेंगे या तो रनिंग वाइंडिंग का, तो दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करने से रोटेशन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, वाइंडिंग में से, दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे दोस्तों। तो इसके रोटेशन की जो स्पीड है, यदि अभी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है मोटर, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू कर देगी दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको, इसकी डायरेक्शन आप रोटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए, हमने क्या किया, यहाँ से एसी सप्लाई इनपुट दिया, ये वोल्टेज अप्लाई किया आपने, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के चेंज कनेक्शन आप स्टार्टिंग वाइंडिंग, अर्थात हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्राइमरी सिरा था, यहाँ पर स्विच लगा था, उसको कनेक्शन को हमने चेंज कर दिए, अपोजिट कर दिए, यहाँ पर पलट दिए। अब जो इसका स्टार्टिंग सिरा ये था दोस्तों और एंडिंग सिरा ये था वाइंडिंग का, तो हमने क्या किया, एंडिंग सिरा को ऊपर कनेक्ट कर दिया हमने। अब कनेक्शन जो करंट आएगी वो कहाँ से आएगी, कनेक्शन जो सप्लाई करंट आएगी, स्टार्टिंग करंट वो आएगी दोस्तों एंडिंग सिरे से आएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग के। और ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसका कनेक्शन नीचे हो जाएगा, अर्थात कि हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को हमने आपस में पलट दिया। तो ये मोटर जो क्लॉकवाइज में घूम रही थी, अब ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगल फेस स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को और ये उसके रोटेशन को हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्शन आप रोटेशन चेंज करने का तरीका आपको पता हो गया दोस्तों। इसका एक पॉइंट है कि रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जगह मैग्नेटिक स्विच या मैग्नेटिक रिले का यूज करते हैं। अब जैसे ये स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज किया हमने, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसे फ्रिज कहते हैं दोस्तों, फ्रिज में यहाँ पर इस स्विच का यूज नहीं करते। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों हम यहाँ पर
मैकेनिकल स्विच का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में मैकेनिकल या मैग्नेटिक स्विच का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल स्विच भी नहीं कहेंगे इसे हम, इसे मैग्नेटिक स्विच कहेंगे। तो रेफ्रिजरेटर में खासतौर पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रेफ्रिजरेटर में एक कंप्रेसर लगा होता है और उस कंप्रेसर मतलब कि मोटर ही लगी होती है उसमें। तो कंप्रेसर में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जगह हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक स्विच लगाते हैं या मैग्नेटिक रिले का यूज करते हैं दोस्तों। ये बंद चालू ऑटोमेटिक होता है, तो ये एक प्रकार की मैग्नेटिक स्विच होती है दोस्तों। लेकिन स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो स्विच यूज करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ लगा होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अक्सर दोस्तों याद रखेंगे हम, ये स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में लगा होता है दोस्तों। अब देखेंगे हम यहाँ पर सेकेंड है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों आई होप आपको स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यदि मोटर की स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में हमको चेंज करना है तो या तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग की किसी टर्मिनल को चेंज कर देंगे या रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो इन दोनों की वाइंडिंग को हम आपस में बदल देंगे तो ये स्पीड इसकी इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा एंगल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अल्फा एंगल का मान कितना होता है, तो 30 डिग्री होता है दोस्तों, ये इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए दोस्तों। अब देखेंगे सेकेंड में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो ये जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है दोस्तों, इसका भी बड़ा महत्व है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी सेम कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों इसका, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का भी सेम कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन बेसिकली रूप से हम देखें तो जिस प्रकार से स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर होता है उसी के अनुसार इसमें भी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा आपको इसमें। तो हम क्या करेंगे, स्विच की जगह एक कैपेसिटर लगा देंगे। चलिए यहां पर हम देखें तो इसके कुछ मेन मेन पॉइंट समझ लेते हैं। मेन मेन पॉइंट में यह चीज है दोस्तों कि यदि स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर आपको दिखा दे या दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर है। आपके सामने रख दिया जाए कि ये स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर है तो आप इसे कैसे पता करेंगे कि ये स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर है, इसको कैसे जानेंगे आप। तो इसके पीछे इसका रीजन मैं बताना चाहूंगा आपको। स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर को समझने के लिए यदि आपके घर में कोई सीलिंग फैन है और उसमें बार बार स्विच के कट कट की आवाज आती है, जैसे मोटर स्टार्ट रहेगी और उसमें जैसे स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं वैसा यदि उसमें साउंड आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। ये मोटर आपको सीलिंग फैन के तौर पे मिलेगा। बहुत सी जो सीलिंग फैन है अभी वर्तमान समय में आप जो प्रचलन में आ गई है, इन सीलिंग फैन में ये वाला मैकेनिकल अरेंजमेंट दिया हुआ है दोस्तों। तो स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये सिंगल फेस जो मोटर होती है इंडक्शन मोटर, उसके समान ही सेम कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग इन दोनों के अनुसार इसको हम मैकेनिकल अरेंजमेंट करके यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसका सेम मिलेगा दोस्तों। जिस प्रकार थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क करती है वैसे ही सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी वर्क करती है दोस्तों। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का भी कंस्ट्रक्शन और थ्री फेस इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इसमें सिंगल फेस सप्लाई देंगे, उसमें हम थ्री फेस सप्लाई देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को हम समझ सकते हैं दोस्तों।